लेट हो गई है, और आप लोग तो जानते हैं जब फ्लाइट लेट होती है तो कितना लोचा होता है। जिस आदमी को घर पे जाके सिर्फ सोना ही होता है ना, वो भी बोलता है जल्दी करो मेरा अर्जेंट मीटिंग है, और उसकी वो मीटिंग भी उसकी बीवी के साथ ही होती है। फिर इधर एक पैसेंजर है अर्चना जी, नाक में दम करके रखा हुआ है। कैसे? पता नहीं किधर चला गया यहाँ। अर्चना जी यही है वो पेंगुइन बुड्ढा। लगता है मेरा ग्रुप पीछे रह गया। नहीं अंकल, जितनी आपकी स्पीड है ना, मेरे को लगता आगे रह गया हो। मुझसे मजाक कर दिया, हारमोनियम मार के तेरा पादा तोड़ दूंगा। ढूंढो हमारे शागिर्द कहाँ के हैं। मैं कैसे ढूंढूं उनको, मेरे को क्या पता वो कैसे दिखते हैं। अरे बहुत आसान है, सब धुंधले धुंधले दिखते हैं। अरे अंकल धुंधले तो इसलिए दिखते ना क्योंकि आपकी नजर कमजोर है। आप एक काम करो बैठो, वो आते ही होंगे। तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। अरे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओ। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओ। उस्ताद जी पाए लागू, कितनी बार कहा पटाख जाया करो। आपको उधर ढूंढ रहा हूं मैं। हाँ मैं इधर आ गया था। तो बैग बता के जाया करो। और तुम कौन हो, इनसे भी बड़ी औरत। सर माई सेल्फ एयर होस्टेस मोना। अच्छा तो वो तुम लोग हो जिसकी वजह से फ्लाइट लेट हुई है। तुम्हारे लिए दो लाइनें अर्ज की हैं। अच्छा। कि वो उड़ गए हमसे पहले जो आए हमसे बाद। वो उड़ गए हमसे पहले जो आए हमसे बाद, घटिया एयरलाइन मुर्दाबाद। अरे सर फ्लाइट कभी कभी लेट हो जाती है। हो जाती है, हो जाती है। अरे सॉरी बाबा। सॉरी बाबा, सॉरी। ये फ्लाइट के साथ साथ एयरपोर्ट भी घटिया है। हाँ यहाँ बाथरूम में गया, 10-12 औरतों ने हमला कर लिया मुझे। हाँ तो किसने बोला था आपको लेडीज बाथरूम में जाने के लिए। मुझे कौन बोल सकता है, वो तो मेरी नजर कमजोर है, मैं उधर चला गया। अच्छा नजर कमजोर है, स्टेज की तरफ से आती हुई चप्पल तो मुंह से लपक लेता है बुड्ढे। तब तक नजर कमजोर नहीं होती है। हाँ ये कला अब तुम लोगों में नहीं आई है, सिर्फ मुझ में रह गई है। 800 जोड़ी चप्पल होती है अगर तुम लोगों ने सीखा होता इसको अच्छी चप्पल को पकड़ना। इस चक्कर में अकेली अकेली चप्पलें लेके घूम रहा हूँ, जोड़ी नहीं बन रही है चप्पलों में। मैंने बड़ी गलती कर दी इस बुढ़ाऊ को उस्ताद रख के। कसम से आधा घंटा इसने मुझे कुछ सिखाया गाना। उसके बाद पता नहीं कोई इसके गले पे डंडा मार गया। कोई नहीं, तुमने ही मारा था। इतनी बार कहा हमसे बता के जाया करो, किधर जा रहे हो। कहीं मर मना गए, हमारा नाम लगेगा, लोगों को पहले पता है कि हम तुमको लाइक नहीं करते। अरे वैसे उस्ताद जी इससे पहले आपने कहाँ कहाँ कॉन्सर्ट किया है। अरे कहाँ कहाँ कॉन्सर्ट नहीं किया। हाँ सुबह तो यहाँ कर गए थे। कहाँ थी, हर जगह। अरे मुंबई में किया है, कोलकाता में किया है, चेन्नई में किया है, पुणे में किया है, लास वेगास में किया है। लास वेगास नहीं, बेगूसराय। हाँ बेगूसराय में किया।
और मुंह से निकल गया मिलता जुलता है ना लास वेगास बेगूसराय तो कॉन्सर्ट जो उसके बारे में बताओ जो पुणे में किया था पिछले हफ्ते। अर्चना जी आप मानेंगे नहीं 10,000 लोगों की भीड़। वाह। और उस्ताद जी ने ऐसा गाया कि पता ही नहीं चला कि उस्ताद जी को कौन मुंबई पुणे हाईवे पे नंगा छोड़ गया। अरे तुमको ख्याल है वही वाले इवेंट जाना जिसमें हमारी पिटाई हुई थी, तुम्हारी फ्लाइट कब आएगी? बस अभी उड़ने वाली है। तो जल्दी उड़ाओ उसको, उस्ताद जी का कवाली का टाइम हो रहा है, 8 बजे के बाद ये रुकते नहीं है। जहाँ भी 8 बजे हैं वही कवाली कर देते हैं। उस दिन तो हम जा रहे थे गाड़ी से हाईवे में, इतनी जोर से कवाली लगी हमने सड़क पर रोके ट्रक के पीछे कवाली कराई है। सब लोगों ने मिलकर की थी कवाली, वो तो ग्रुप आइटम है, हमें तो आई भी नहीं थी, हमने आपके चक्कर में थोड़ी थोड़ी की है। सर सर आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग आराम से बैठिए ना, यहाँ ऊपर बैठिए, आइए। हाँ चलो आइए ऊपर। हाँ यहाँ बैठिए ना, आइए। मैं इधर बैठ। मैं आपके लिए कुछ खाने को मंगवाती हूँ, कोई है यहाँ पे? बिल्कुल है। पैसेंजर लोग हैं, इनके खाने पीने का ख्याल रख, मैं फ्लाइट का स्टेटस देख के आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इतने सारे क्लाइंट इकट्ठे आ गए। सर मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? वही हम सोच रहे थे कि तुम हमारी क्या ही मदद कर सकते हो। आई एम वेटर, मैं खाने का ऑर्डर लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो हाँ। तुम लोगे खाना कौन देगा? शेफ। हाँ तो फिर उसको भेजो ना, बीच में तुमको एजेंट घूम रहे हो। तुम्हारी शक्ल तो देखी हुई लगती है। हैंडसम। इस शक्ल की चप्पल है मेरे पास घर पे। शेफ शेफ है शेफ धनिया लाल। अच्छा तो धनिया आपका शुरू से लाल था कि कोई बाद में करके गया? खाने में क्या खाएंगे आप? महंगा होता ही था। बहुत महंगा होता है। नहीं खाना तो अभी हमने 3-4 दिन पहले ही खाया है। खा के पेट भरा हुआ है। खाना यहाँ पे फ्री है। फ्री है? फ्री है, फ्री है, खाना फ्री है। एक मिनट, फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है। खाना भी नहीं मिलता है यहाँ पर। हाँ? यहाँ पर एक वक्त का खाना मिलेगा, वो भी यहीं पर बैठ कर खाना है। क्या? हट साले। एक टाइम का खाना, उस्ताद जी को 2 टाइम का नंगा करवा दिया आपने। उस्ताद जी गांठ नहीं खुलेगी। अरे गांठ खोलो इसकी। मफलर की तरह पहनो। सर खाना आपके लिए हम ले आएंगे, लेकिन जब तक खाना आता है अगर थोड़ी सी कवाली हो जाती तो मजा आ जाएगा। ठीक है जी बैठिए। तो पेशे खिदमत है आपकी नजर में एक कवाली। वाह। कितना ऊंचा लगाएंगे? डायपर आपका एक ही रखा मैंने। मैंने पहले ही कहा था तबला चाहे एक रख लो, डायपर मेरे 12-15 रखना। और सारी कवाली डर डर के गानी पड़ेगी मुझे। शेर अर्ज किया है इशार आपके लिए है जो हमें खाना खिला रहे हैं। अरे अरे। कि घूम लो सारी दुनिया चाहे हमसा ना कोई पाओगे, थोड़ा भागा दौड़ा करो नहीं तो यहीं के यहीं फट जाओगे।
तो ठहरे परदेसी पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे तो तेरे पर देसी साथ क्या निभाओगे। एक मिनट उस्ताद जी, क्या हुआ? बिरयानी बर्गर ऑक्सीजन कितनी बार कहा यार उस्ताद जी, मैंने बीच कवाली में 15 मिनट के लिए मर जाते हैं ये। पकड़ो फटाफट। अरे बस बाकी कल भी लेनी है। कृपया ध्यान दें, दरभंगा जाने वाली उड़ान के लिए ये अंतिम कॉल है। मिठू कवाल और साथियों से अनुरोध है कि आप बोर्डिंग द्वार क्रमांक 18 की ओर तुरंत प्रस्थान करें। तुम कहते हो साथ क्या निभाओगे?